यहाँ पे मैच देख रहे थे एंड यूपी वाले अंदर आए सारे और हम यहाँ पे पढ़ने आए, हम भी इंडियन है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया, क्या हम इंडियन नहीं है तो मोदी क्या बोलता है। मामला संगरूर दे निजी कॉलेज का है जिथे भारत पाकिस्तान दे T20 क्रिकेट मैच नू लेके विद्यार्थी आपस विच झगड़ पए। बीती रात पाकिस्तान अते भारत दा 2020 मैच चल रहा सी जिस विच सारे विद्यार्थी हाल विच अते अपने कमरियां विच बैठ के मैच देख रहे सन। इन्हां विच कश्मीर दे भी कई विद्यार्थी सन। दूसरे पासे यूपी बिहार दे विद्यार्थियों ने मैच नू लेके हुड़ंग हो रही सी। जद मैच का फाइनल डिसीजन होया तो दोवें धड़ां दे विद्यार्थियों की गर्मागर्मी हो गई। ये गल कुटमार तक पहुँच गई। कॉलेज के डायरैक्टर का कहना है कि कश्मीरी विद्यार्थियों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे सन जिस करके इन्हां विचकार झगड़ा होया है। पुलिस का कहना है कि दोवें पक्षों वालों किसी का नाम नहीं लिया गया, दोवां दे विच समझौता हो चुका है। दो ग्रुपों का आपस में था, कोई ज़्यादा नहीं था, सिर्फ मैच को जब देख रहे थे तब कोई आउट हो रहा था या कोई रन बन रहे थे उस टाइम दोनों पार्टियों का जोश चल रहा था तो उस समय थोड़ा बहुत इनका आपस विवाद हुआ था। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इशू कोई था, जैसे जोश में लड़के का हॉस्टल में रहने वाले तो वो अब शॉर्ट आउट हो चुका है। किसी तरह का किसी को कोई गला शिकवा नहीं है एक दूसरे के खिलाफ। सर जी क्या मतलब पाकिस्तान भारत का मैच था तो दोनों टीमों की तरफ दोनों स्टूडेंट रहे होंगे तभी इतनी बात बड़ी? वो तो कोई भी पार्टी टीमों के मैच होते हैं तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो होते ही हैं सपोर्टर, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ सपोर्ट रहे हैं तभी आपस में थोड़ा बहुत विवाद हुआ इनका। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उसकी जांच की आपने क्या? वो नहीं, हमने इनसे सबसे पूछा लेकिन किसी ने अभी तक उसका कुछ क्लियर नहीं किया। हम जिन लड़कों को हमने पूछा जिनका कोई आपस में बात हुई दूसरे ग्रुप में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें अभी तक। कितने स्टूडेंट हैं सर जो कश्मीर की औरतें हैं या दूसरे जो आपने जाँच की? ये तो कोई 10-12 लड़के हैं कश्मीर वाले और 10-12 ही दूसरे हैं। अब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया? बिल्कुल मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। क्या कहा है सर उन्होंने वैसे जो बच्चों ने? हाँ यही बात बोली है उन्होंने कि मैच के दौरान हम अपना अपना रूम में देख रहे थे, एक दूसरे को लगा कि ये उसका ज़्यादा शोर मचा रहा है ये उसका, तो उसमें थोड़ा बहुत जैसे हॉस्टल में कॉलेज लाइफ में हो जाता है तो वो हुआ, कोई मारपीट या ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक है सर, ओके। क्या नाम है आपका? जी मैं डॉक्टर तनुजा श्रीवास्तव, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैडम क्या मसला हुआ था बताओगे? एक्चुअली कल क्रिकेट मैच के बाद में हमारे जो दो ग्रुप के बच्चे हैं उनके बीच में कुछ नारेबाजी हो गई और कहा सुनी हो गई। पहले ये लोग लैपटॉप में बैठ कर के अपना क्रिकेट मैच देख रहे थे, मैच के बाद में नारेबाजी एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप ने सुनी तो वो आवेश में आ गए। आवेश में आने पर उन्होंने रूम में आपस में लड़ने लगे, फिर रूम के बाद में ये हॉस्टल के बाहर पर आ गए और वहाँ पर इनके बच्चे सारे दोनों ग्रुप के बच्चे इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाइयाँ करने लगे। मौके पर हमारे बॉयज़ हॉस्टल वार्डन, फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि रेजिडेंशियल कैंपस है, सब लोग मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को समझाया और कहा कि इस मसले पर आप लोगों को आपस में लड़ना ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड थे, उस बात को नहीं समझे। उनके बीच में कहा सुनी झड़प करीब आधे घंटे तक चलती रही और नारेबाजी करते रहे। फिर फैकल्टी के समझाने के बाद आधे घंटे पौन घंटे के बाद में ये अपने शांतिपूर्वक अपने रूम्स में चले गए। हमने पुलिस को सूचना इसके बारे में दे दी थी तो पुलिस ने भी तफ्तीश करी, बच्चों से भी बात करी सुबह के टाइम पर आकर के, तो बच्चे अब थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवेश में आकर के हमने ये सब किया और हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो शांतिपूर्वक अपनी क्लासेस में चले गए हैं और किसी के भी हताहत होने के या इंजर्ड होने की एक भी स्टूडेंट की हमारे पास में खबर नहीं है। सारे बच्चे सेफ हैं, सेटिस्फाइड हैं और सुरक्षित हैं। ये बच्चे क्योंकि ये बच्चे हैं इनको थोड़ा समझ में कम होती है तो ये मैच के बाद में जो कंट्री जीता था उसकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई FIR कुछ? नहीं, कोई भी FIR नहीं है, पुलिस अपने बारे में तफ्तीश कर रही है। तो जब बच्चों ने अपने आप में ही कह दिया कि कॉलेज मैनेजमेंट इवन हमारे पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है या लेगी तो भी हम उसको बियर करेंगे, क्योंकि वो बीइंग ए स्टूडेंट उनकी एक ये मॉरल ड्यूटी होती है कि कैंपस में और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेनली डिसिप्लिन को मेंटेन करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन देयर पार्ट। कौन से बच्चे थे? मेनली ये कश्मीर स्टेट के बच्चे थे, यूपी के थे एंड बिहार के बच्चे थे। कश्मीर वाले बच्चों की ओर से जो
हाँ कश्मीर के बच्चों से करीब 50 बच्चे थे कश्मीर के बच्चों की तरफ से पहले नारेबाजी करी जिससे कि दूसरा ग्रुप के जो बच्चे थे वो उन्होंने अपोज किया और उन्होंने मना किया। फिर ये बच्चे ही हैं, आपस में कहा सुनी बढ़ती गई और वो फिर झगड़ा बढ़ गया। लेकिन इस वक्त कैंपस में मामला पूरी तरह से शांत है, बच्चे अपनी क्लासेस में शांतिपूर्वक हैं, टीचर्स अपनी क्लासेस रूटीन वाइज ले रहे हैं। किस तरह के नारे लगा रहे हैं? ये पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान एंड दूसरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरों के लिए फॉलो करो डेली अजीत, इंस्टाग्राम के उत्ते खबरों के नाल वीडियो देखने के लिए फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं अजीत के वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी के उत्ते भी वेख सकते हो ते नाल ही अजीत अखबार का डिजिटल एडिशन पढ़ने के लिए डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब की आवाज़ अजीत।